नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे येलो किचन में बनने वाला है मसाला पीनट, यानी कि मसालेदार मूंगफली। एकदम टेस्टी, एकदम आसान रेसिपी जो झट से हम घर में बनाकर फ्रेश खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। मसाला पीनट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप यानी कि आधा किलो के लगभग मैंने यहाँ पे सेंगदाना ले लिया है। अब मैं इसे नल के नीचे अच्छे से धो लूँगी। दोस्तों, धोते समय हमें इसे ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है, नहीं तो सेंगदाने के जो है वो छिलके निकल जाएंगे। हमें हल्के हाथों से इसे धो लेना है कि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह हो, डस्ट हो, अच्छी तरह से वो निकल जाए। अब मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेनर है, इसमें मैं इसे छान लूँगी। इसमें छानने से क्या होगा, सेंगदाने से सारा पानी बाहर निकल जाएगा और सेंगदाना हमें जितना गीला चाहिए उतना गीला रहेगा। अब मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी। इस तरह से थाली में निकालने के बाद इसके ऊपर मैं कुछ मसाले डालूँगी। यहाँ मैं 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और 1 चम्मच लाल मिर्च, आपको जितना दिखा चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डाल दिया है और कलर के लिए मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। पूरा भर के मैंने 1 टेबल स्पून डाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जैसे हमारे सेंगदाने में अच्छा कलर आए। और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाल दिया। चाट मसाला डालने के बाद दोस्तों, अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ भुना हुआ, और स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिए, नमक का बैलेंस में बनाए रखना है क्योंकि हम चाट मसाला भी यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इसमें 1 कप बेसन डाल रही हूँ, 1 कप बेसन। इसमें मैं अब 1/2 कप चावल का आटा डालूंगी। चावल का आटा ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, और कॉर्नफ्लोर भी ना हो तो आरारोट डाल सकते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच जो है तेल डाल रही हूँ। दोस्तों, चावल के आटे से क्या होगा, हमारा जो मसाला पीनट का ऊपर का कोटिंग बहुत ही करारा बनता है, इसलिए चावल का आटा डाला जाता है। अब मैं इसी तरह से अच्छी तरह से सेंगदाने में बेसन, चावल का आटा सब लगा दूंगी कि हमारा सेंगदाना जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से कोट हो जाए। देखिए, अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब मैं इसे जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्स करूँगी। देखिए, इस तरह से हमें एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, हथेलियों पे लेकर के थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल करके हमें अच्छी तरह से मिलाना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा बेसन कम हो गया, तो मैंने फिर से 1/2 कप बेसन इसमें और डाल दिया। 1/2 कप बेसन में डाली, इसलिए उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं इसमें अब नमक भी डाल लूँगी, नहीं तो क्या हुआ, हमारा सेंगदाना जो बहुत फीका बनेगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दी। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर से अच्छी तरह से मैं इसे मिला लूँगी। हमें इसे एकदम गीला नहीं करना है, थोड़ा ये सूखा ही, मतलब थोड़ा सा ये सख्त होता है। इस तरह से हमें बनाना है इसका सेंगदाने का मसाला, हमें इस तरह से तैयार करना है, ज़्यादा इसे गीला नहीं करना है। दोस्तों, इस तरह से बनाने से हमारा सेंगदाना जो है बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाता है और करारा भी रहता है। अब चलिए, इसके लिए हम एक चटपटा मसाला तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच ले लिया है जीरा पाउडर, उसमें 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया, और 1 चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो लीजिए, हमारा चटपटा मसाला भी रेडी हो गया, इसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया था, तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब इस तरह से उठा करके हम तेल में डालेंगे और कलछी के पीछे वाले डंडी से हम इसे, जैसे ये गांठ जैसा है तो इसके गांठों को हम खोलेंगे कि सब सेंगदाना जो है एकदम अलग अलग हो जाए। इस तरह से हमें इसे तेल में अच्छी तरह से खोल लेना है। देखिए किस तरह, कैसे हमारे सेंगदाने अच्छी तरह से खुल गए सब अलग अलग। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे एकदम करारा सेक लेना है, फ्लेम को ज़्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, ऊपर की कोटिंग जल जाएगी और करारा नहीं बनेगा। इस तरह से देखिए सेक कर रेडी हो गया फ्राई कर।
बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों, एकदम करारा बना हुआ है देखने में। तो इसी तरह से हमें सिंगदाना पूरा तल लेना है। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे पूरा तल लिया है, देखिए कितना अच्छा तला हुआ है, एकदम क्रिस्पी बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको तो समझ गया होगा, इसमें अब हम जो चटपटा मसाला तैयार किए थे वो हम मिला देंगे। इससे जो है सिंगदाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। आप बिना ये मसाला डाले भी सिंगदाना मसाला सिंगदाना खा सकते हैं, लेकिन ये डालने से टेस्ट और बढ़ जाता है दोस्तों। आप इस तरह से मसाला सिंगदाना बना करके एयर टाइट डब्बे में भर के रख सकते हैं, महीनों तक ये टिका रहता है। आपका जब जी चटपटा खाने का करे तो फटाफट सिंगदाना खा लीजिए, बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। चाय के साथ हम इसे अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आप भी मसाला सिंगदाना घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए। लेकिन मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और सब्सक्राइब का बटन जरूर